यहाँ जैसे कि हम पढ़ रहे हैं भगवान अर्जुन को जो ये युद्ध से पहले जो संदेश दे रहे हैं उसके अंतिम चरण पर आ चुके हैं और वो बता रहे हैं कि जैसे हमने पीछे बताया कि सबसे प्रिय उनको कौन है, सबसे प्रिय कौन है जो प्रचार में जुड़े हैं, किसमें जुड़े हैं। जैसे हमने पीछे आपको बताया था, कई बार इस बात को बता चुके हैं कि भक्ति जो है ये पूर्ण है। भक्ति क्या है? पूर्ण है। पूर्ण का अर्थ क्या हुआ? बड़े सारे अर्थ होते हैं पूर्ण के, उसमें एक अर्थ ये होता है कि प्रचार कार्य के किसी भी कार्य में जुड़े तो आपको वही फल मिलेगा जो कि आप एक वक्ता बनकर भगवान की बातें सुनाएं। इसमें कोई भेद नहीं है। सबसे बड़ी व्यक्ति जब इस भेद ये भेद करता है तब वो भक्ति में नहीं होता, क्योंकि उसे भक्ति की पूर्णता को खंडित करता है और भक्ति की पूर्णता खंडित नहीं हो सकती। भक्ति की पूर्णता खंडित नहीं हो सकती। जब ही गुरु जैसा कहे वैसा ही करना चाहिए। इसीलिए शिक्षा गुरु की अनिवार्यता हो जाती है। तो यहां भगवान ने बताया, और पिछला श्लोक था कि संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो मैंने पिछली बार बताया था आपको कि सीधा भगवान ने उसको कहां पहुंचा दिया? गोपी तत्व पे। कहां पहुंचा दिया? गोपी। सबसे प्रिय कौन है उनको? गोपियां, है ना जी। सबसे करीब कौन है? गोपियां हैं। तो यहां भगवद गीता के अंदर भगवान उसको उस स्थिति पे ले आना चाहते हैं, माधुर्य भाव में। कहां ले आना चाहते हैं? इससे यही पता लगता है कि भगवान कलयुग के जीवों की तैयारी कर रहे थे। किसके लिए? कि मैं आने वाला हूं। किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु के। ये उन्होंने तैयारी करने, यहीं से इस श्लोक से हमें दिखना शुरू पड़ा कि भगवान क्या बनाना चाहते हैं। अति प्रिय क्या बनाना चाहते हैं? हाँ, प्रिय नहीं। प्रहलाद महाराज प्रिय थे, हनुमान जी प्रिय थे, अर्जुन जी प्रिय थे, परंतु वो हमें क्या बनाना चाहते हैं? अति प्रिय, सबसे प्रिय। यही वो स्वयं आए। अब बनाएं कैसे? कृष्ण भगवान तो बोल सकते हैं, बनाने वाली तो राधा रानी है। बनाने वाली कौन है? राधा रानी। इतना ध्यान रखिएगा, सब कुछ बोलने के बावजूद भी एक चीज, कई बार लोग कहते हैं राधा रानी कृष्ण भगवान से श्रेष्ठ है। ये गलत सिद्धांत है, ये गौड़े सिद्धांत नहीं है। ये गौड़े सिद्धांत नहीं है, ये अपने अपने बनाई हुई है लोगों ने। भागवत में वेदव्यास जी साफ कहते हैं कृष्णास्तु भगवान स्वयं। राधा रानी कौन है? हलादनी शक्ति है। कौन है? हलादनी शक्ति है। तो शक्तिमान श्रेष्ठ होता है, शक्ति श्रेष्ठ होती है। हम लोग वो नहीं विश्वास करते, शक्ति नहीं तो शिव भी शव है। क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि शिव के साथ शक्ति ना हो, पार्वती जी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी राधा रानी कृष्ण भगवान के, क्योंकि कुछ नहीं है। राधा रानी और कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं है, और भेद है भी, भेद नहीं भी है और है भी। तो भागवत के अंदर स्पष्ट रूप में जो परिभाष सूत्र है भागवत का, उसका मतलब, उस परिभाष सूत्र का मतलब होता है की, चाबी। तो भागवत का जो चाबी है, जो जीव गोस्वामी अपने छंद कृष्ण संदर्भ में समझाते हैं कि जो चाबी है परिभाष सूत्र, जिसके द्वारा तुम्हें सारा कुछ समझ आता है भागवतम का, वो है एतचामसा कलापुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। ये चाबी है कि तुम्हारा जो इष्ट है, इष्ट का मतलब होता है पूजनीय। क्या होता है? इष्ट। हाँ, इष्ट शब्द का अर्थ क्या है संस्कृत में? पूजनीय। अरे भाई साहब, पूजनीय भी कृष्ण है और भजनीय भी कृष्ण है। जो उनसे जुड़ा है वो पूजनीय हो जाता है। वो क्या हो जाता है? जो उनसे जुड़ा होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा
हम राधा रानी की सेवा करते हैं, सेवा का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। और उनकी आज्ञा क्या है, क्या करती हैं वो? कृष्ण भगवान को आनंद देने के लिए आह्लादनी, दिव्य आनंद को क्या कहते हैं, आह्लाद। क्या कहते हैं दिव्य आनंद को? आह्लाद। जब ये प्रह्लाद, समझ में आया, दिव्य आनंद को आह्लाद कहते हैं। तो आह्लादनी शक्ति जो आह्लाद देती है किसको? भगवान श्री कृष्ण। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर, youtube.com/divgita, like our page, facebook.com/divgita, contact us +91 92 1053 1053, www.divgita.com, contact@divgita.com.